करीब 3 महीने से क्षेत्र में लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा करने वाले एक अर्ध विक्षिप्त की मौत। प्रतापगढ़ नगर पंचायत के राजघाट में लगभग 3 महीनों से रह रहा एक वृद्ध लगभग 66 वर्ष का, जो लोगों की मदद से अपना गुजारा करता था, जिसकी देर रात ठंड लगने से मौत हो गई है। सुबह लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी मौत की वजह साफ नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रतापगढ़ कदही थाना क्षेत्र के गुतौली निवासी एक शख्स ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि वह अपने जमीन में घर बना रहा था, जिसका उसके ही भाइयों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद इसकी वजह जाननी चाहिए तो बात बात में इमरान को उसके भाइयों व परिवार के अन्य लोगों ने पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद बचाने दौड़ी इमरान की पत्नी को भी उक्त लोगों ने दौड़ा कर पीट दिया। इस मामले की शिकायत संबंधित थाने पर की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शादी तय होने के बाद युवती से दुष्कर्म करता रहा युवक, अब शादी से मुकरा। दहेज की मांग को लेकर अब शादी से इनकार कर रहा है। कुन्ना थाना क्षेत्र के आधारी कापुरवा निवासी संजीव की शादी इलाके की ही रहने वाली एक युवती से 3 साल पहले तय हुई थी, जिसके बाद संजीव अक्सर उससे मिला करता था। परिजनों को भी आपत्ति नहीं होती थी। युवती के अनुसार संजीव उसके साथ दुष्कर्म करता था। इसी बीच युवक विदेश जाकर नौकरी करने लगा। युवती ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि अब दहेज को लेकर युवक शादी से इनकार कर दिया, जबकि उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। परिजनों ने इसकी सूचना युवक के घर वालों को दी तो युवक के परिजन भी गाली गलौज करते हुए वहां से भगा दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी संजीव कुमार सहित 4 लोगों पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। परिजनों की डांट फटकार की वजह से युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर। प्रतापगढ़ जनपद के हदगेवा थाना क्षेत्र के बलीपुर निवासी रामभवन पटेल की पुत्री ने परिजनों की डांट से जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। परिजन आनन फानन में अस्पताल ले गए। घर में किसी बात को लेकर रीता की मां ने उसे डांट दिया, जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस की। नाराज होकर वह घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों को जानकारी हुई तो आनन फानन में बेटी को लेकर उपचार के लिए हॉस्पिटल भागे। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद युवती की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। जनपद के जठवारा थाना क्षेत्र के जुड़ापुर निवासी राजकुमार उर्फ राजा बाबू पुत्र जीतलाल यादव को जठवारा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के नागापुर मोड़ के कटरा गुलाब सिंह के पास से गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के अनुसार युवक को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद मेडिकल कराकर उसे जेल भेज दिया। 5 साल के मासूम को पटक कर मौत के घाट उतारने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। उदयपुर थाना क्षेत्र के चौहान कपुरवा में 11 दिसंबर को 5 वर्षीय बालक, जिसे गांव के ही एक युवक ने सड़क पर हवा में उछाल उछाल कर पटक पटक रहा था। स्थानीय लोगों के दौड़ने के बाद युवक बच्चे को पटक कर वहां से चला गया था। परिजन घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने अरविंद सिंह चौहान निवासी चौहान का पुरवा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई थी। थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि बालक के हत्या का आरोपी भागने की फिराक में एक पुलिया के पास बैठा किसी का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका मेडिकल कराकर जेल भेज दिया। जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली के अर्जुनपुर निवासी तेजाराम पुत्र रामाधार की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही मुन्ना पत्नी सीता राजकुमार पन्नालाल समेत
5 लोगों के खिलाफ मारपीट व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि 11 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे आरोपी दरवाजे पर पहुंचे और मारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर जख्मी कर दिए थे, जिसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रही। फर्जी मुकदमे में फंसने के बाद एसपी से न्याय की गुहार। नगर कोतवाली के दहिला मऊ निवासी मनोज कुमार एडवोकेट ने गुरुवार को एसपी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि एससी एसटी के मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने के लिए विपक्षी ने उनके भतीजे के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई, जबकि उनका भतीजा घटना के समय सुल्तानपुर में था। घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच की जाए तो सत्यता पता चल जाएगा। जिले के गोदामों में गेहूं नहीं होने से अभी तक जिले के 400 कोटेदारों को गेहूं की खेप नहीं मिल सकी है, जबकि जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से दूसरी बार भी तिथि की घोषणा हो चुकी है। इसके पहले खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 12 दिसंबर बताई गई थी। इससे उपभोक्ताओं को कोटे की दुकान पर आकर चक्कर लगाकर वापस लौटना पड़ता है। जिला विपणन अधिकारी अजीत त्रिपाठी ने बताया कि गेहूं का लॉट आ चुका है, जिसे कोटेदारों तक पहुंचाया जा रहा है। शुक्रवार तक सभी दुकानों पर गेहूं की खेप पहुंच जाएगी।